गगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठा गांव निवासी 17 वर्षीय अमन सानी पुत्र मुन्ना सानी राप्ती नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुट गई। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें, अमन सानी मुन्ना सानी का इकलौता बेटा था। मुन्ना सानी की 5 बेटियां अनु, अंजू, ज्योति, नेहा और रिया है। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अमन साहनी छठ महापर्व के मौके पर सुबह सूर्य को अर्घ देने गया था। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात वह नदी में नहाने लगा। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और अचानक डूब गया। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची गगहा पुलिस गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से डूबे हुए बच्चे के शव को बरामद किया। शव को परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज सुबह जब छठ पूजा का उगते हुए सूरज का वो हो रहा था, उसके बाद एक लड़का कोठा गांव है यहाँ राप्ती नदी में, उसके डूबने की सूचना मिली है, जिसके स्थानीय पुलिस और कुछ गोताखोर जो हैं आसपास के मल्लाह जितने हैं, इन लोगों से तलाश कराया जा रहा है। अभी डेड बॉडी मिली नहीं है।